हाय गाइस, तो आज इस एपिसोड में आपको मिलेगा मीवी फोर्ट S24 साउंड बार का सबसे इन डेप्थ और ऑनेस्ट रिव्यू। तो शुरू करने से पहले अगर मेरा ये वीडियोस आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक बटन को स्मैश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये एपिसोड देखने के बाद अगर आपको मीवी फोर्ट S24 का साउंड पसंद आए तो काइंडली इस प्रोडक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो यूज करके इस स्पीकर को खरीदिए ताकि आप मेरे चैनल को हेल्प कर सके और मैं सिर्फ आपके लिए और भी ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस बना सकूं इन द फ्यूचर। अब मीवी फोर्ट S24 साउंड बार का पैकेजिंग बहुत सिंपल है और बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल, USB-C टू USB-A चार्जिंग केबल और मीवी फोर्ट S24 साउंड बार। बिल्ड की बात करें तो सिंपल सा बिल्ड है, प्लास्टिक बॉडी, सामने आपको फैब्रिक मिल जाएगा और बीच में मीवी लोगो। अब साउंड बार की ऊपर देखें तो आपको मिल जाएगा प्ले पॉज बटन, वॉल्यूम बटन्स और मोड बटन, और साउंड बार के पीछे आपको मिल जाएगा ऑन ऑफ बटन, ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट पेन ड्राइव के लिए, microSD कार्ड स्लॉट और USB-C चार्जिंग पोर्ट। अब हाँ, क्योंकि ये एक साउंड बार है तो आप इसको टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ, मगर ब्लूटूथ में साउंड और वीडियो में थोड़ा लेटेंसी या लैग हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप ऑक्स केबल यूज़ करें। अब मीवी फोर्ट S24 में इनबिल्ट FM भी है और FM को सेट करना बहुत ही ईजी है। अब सिर्फ मोड बटन को दबाइए ताकि आप FM मोड पे जाए, उसके बाद प्ले पॉज बटन को प्रेस कीजिए 2 या 3 सेकंड के लिए, और वो ऑटोमेटिकली आपके सिटी में जितना FM चैनल्स है उसको ऑटोमेटिकली सर्च करके सेव कर लेगा। तो बहुत ही इजी एक सेटअप प्रोसेस है। अब FM रिसेप्शन की बात करें तो वो भी काफी अच्छा था। मेरा इंडोर स्टूडियो में भी FM में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, साउंड क्लियर था और कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं था FM रिसेप्शन में। तो चलिए गाइज, अब तो बिल्ड फीचर सब कुछ हम आपको बता दिए, अब असली चीज के बारे में बात करते, वो है साउंड क्वालिटी। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग व्यूअर है, आपको पता होगा कि मैं सिर्फ गुड साउंड या बैड साउंड ऐसे नहीं कहता हूँ। मेरा जजमेंट डिपेंड करता है 3 मेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो एक स्पीकर को अच्छा से प्रोड्यूस करना चाहिए, हाईज, मिड्स और लोज। हाई फ्रीक्वेंसीज मतलब जहाँ शार्प साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मिड फ्रीक्वेंसीज जहाँ गले की आवाज़ होता है, और लो फ्रीक्वेंसीज मतलब बेस। तो पहले हाई फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करें तो देखिए, इसका हाई फ्रीक्वेंसीज ओके है, सेटिस्फैक्टरी है, ये शार्प है, पर कभी कभी मिड फ्रीक्वेंसीज के साथ ये मिक्स हो जाता है एट मैक्स वॉल्यूम और डिस्टॉर्शन भी रहता है एट 100% वॉल्यूम। तो इसका स्वीट स्पॉट या सेफ जोन है 60-70% वॉल्यूम मैक्सिमम, तो यहाँ आपको सबसे कम डिस्टॉर्शन मिलेगा, मगर एनीथिंग अबव दैट आपको डिस्टॉर्शन सुनाई देगा और बहुत अनप्लेजेंट लगता है हाई फ्रीक्वेंसीज। अब मिड फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं जहाँ गले की आवाज़ है, तो देखिए सेम केस है, 60-70% वॉल्यूम इसका सीलिंग है, इससे ज़्यादा जाने से आपको डिस्टॉर्शन बहुत अच्छा से सुनाई देगा और इसका मेड या वोकल्स का रेंडिशन एकदम अच्छा नहीं है। तो 60-70% वॉल्यूम में वोकल्स ठीक ठाक है, और ये स्पीकर बहुत वोकल हैवी है, मतलब वोकल्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगा। तो क्लैरिटी ठीक ठाक है, मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉइस का जो नेचुरल वार्म्थ है और टोन है वो सुनाई देना चाहिए, मगर इसमें उतना अच्छा रेंडर्ड नहीं होता है, मगर ये सेटिस्फैक्टरी है, एवरेज है। पर एनीथिंग अबव 70% वॉल्यूम आपको बहुत सा डिस्टॉर्शन सुनाई देगा, 100% वॉल्यूम में 100% डिस्टॉर्शन सुनाई देगा, और बेस फ्रीक्वेंसी जो है ये 100% वॉल्यूम में पूरा मिड फ्रीक्वेंसीज को खा लेता है, तो एकदम कोई सेपरेशन नहीं है और बहुत सारा डिस्टॉर्शन है। अब बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी या बेस का। अब देखिए, बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर म्यूजिक या मूवीज के टाइम पे बेस रिस्पॉन्स अगर अच्छा है तो वो और भी एंजॉयबल कर देता है पूरा एक्सपीरियंस। मीवी फोर्ट S24 का बेस रिस्पॉन्स बहुत ही बुरा है, एकदम अच्छा नहीं है, फुल ऑफ डिस्टॉर्शन, कोई थंप नहीं है, एकदम एंजॉयबल नहीं है, मैक्स वॉल्यूम पे फुल ऑफ डिस्टॉर्शन है, और जितना भी बेस है वो मिड फ्रीक्वेंसीज या वोकल्स को खा जाता है, तो एक बहुत ही पुअर एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा इसमें एटलीस्ट सेटिस्फैक्टरी बेस होना चाहिए, क्योंकि ये एक साउंड बार है और मीवी को लगता है कि आपको आपका टीवी का साउंड रिप्लेस करके ये साउंड बार सामने रख देंगे। तो देखिए, टीवी में हाँ बेस रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इनबिल्ट स्पीकर से, और साउंड बार्स एक अपग्रेड होता है वो साउंड से, मगर इसका ओवरऑल क्वालिटी इतना बुरा है कि मैं इसको किसी भी मेरा व्यूअर को सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, और एक मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए। और अगर ये सिर्फ 60-70% वॉल्यूम पे एक मीडियोकर या एवरेज क्वालिटी देता है तो हम क्यों खरीदें इसको।
कभी कभी हो सकता है मुझे 100% वॉल्यूम यूज़ करना चाहिए या लगेगा, और अगर 100% वॉल्यूम पे इतना डिस्टॉर्शन है तो वो यूजलेस हो जाता है। मेरे हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी एट 60-70% वॉल्यूम एवरेज है, एनीथिंग अबव दैट इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो आप अभी एक साउंड टेस्ट सुनेंगे, एक ट्रैक बजेगा एट 100% वॉल्यूम, आप सुनिए और आप डिसाइड कीजिए, जज कीजिए आपको कैसा लगता है। तो गाइस अगर आप मुझे पूछे कि ये लेना चाहिए या नहीं, मेरा वर्डिक्ट है मत लीजिए, क्योंकि एट इसका प्राइस है 1799, तो 1800 रुपीज़ में आपको और बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा ब्लूटूथ स्पीकर्स में। हाँ, साउंड बार शायद नहीं होगा, पर अगर इससे ब्लूटूथ स्पीकर और भी अच्छा साउंड दे आपको तो आपको साउंड बार नहीं चाहिए। तो गाइज ये था मेरा मीवी फोर्ट S24 का ऑनेस्ट रिव्यू। अब आप साउंड टेस्ट सुनिए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कैसा लगे। और हाँ, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जैसे मैंने कहा, प्लीज़ अगर आपको पसंद आया ये एपिसोड, प्लीज़ स्मैश कीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।